आइए श्री सूक्त पाठ को प्रारंभ करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणिम स्वर्णरजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन प्रदामिनीम यस्याम हिरण्यम विन्देयम गावस्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम वत्मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रीं देवी मूपहवे श्रीमादेवी जुष्टा काम सोस्मितां हिरण्य प्रकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ती पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामीहोपहवे श्रीं चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रीं लोके देवजुष्टा मुदारां ताम पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तप्सोदिजातो वनस्पतिस्त्व विल्वोक्ष्त विल्वः तस्य प्राणी तप्सानुदन्तु अन्त्रायाश्च ब्राह्म्या लक्ष्मीः उपेतु मा देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रमेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धि ददातु मे क्षित्पिपासाम्लां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वनिर्गुद्मेघात् गन्धद्वारां दुर्दधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहोपहवैष्यम् मानसा काम्मा कृत्तिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्री श्वेतां यशा कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्यं वासय मे कुले मातरं पद्मालिनीम् आपाशजन्तु स्तिग्धानि चिक्लित्वासे मे गृहे चा मातरं श्यं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्टिकर्णीं पुष्टिपिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह आर्द्रां व्याकर्णीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन् पगामिनीं यस्यां हिरण्मयीं प्रभुतो दास्योऽस्वां विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रायतो भूत्वा जुहूयादाज्जामहाम्यहम् सुक्तपञ्चदर्शं च श्रीकां संसत जपेत्